हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल रिचारिया। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के समय क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, कब कब कराने चाहिए। मैं उन्हीं टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारी फॉक्सी द्वारा रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके अलावा भी कई टेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें वो आप ज़रूर कराएं। ये एक जनरलाइज्ड पैटर्न है। सबसे पहले अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका थायराइड प्रोफाइल, अगर आपके घर में शुगर है तो HbA1c और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना चाहिए। उसके बाद जब आप 6 weeks to 8 weeks होते हैं, एक सोनोग्राफी होगी जिसमें बच्चे की धड़कन देखी जाएगी और उसके साथ एंटीनेटल प्रोफाइल कराई जाती है। इस एंटीनेटल प्रोफाइल में ब्लड ग्रुप CBC दैट इज कम्प्लीट ब्लड काउंट, HIV, HBsAg, SCV एंड VDRL एंड यूरिन रूटीन ये कराया जाता है। ये सभी टेस्ट एक जनरल टेस्ट हैं जो हर एंटीनेटल वुमेन के होने चाहिए। उसके बाद थर्ड मंथ में बिटवीन 11 टू 13 वीक्स पे NTNV स्कैन और डबल मार्कर कराया जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ मंथ या 18 टू 20 वीक्स की बात, जिसमें आपका होता है लेवल 2 स्कैन या टारगेट स्कैन, और अगर प्रेगनेंसी में कुछ ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो क्वाड्रपल मार्कर भी कराया जाता है। उसके बाद आपका आता है 7.5 मंथ, जिस समय ग्रोथ स्कैन कराया जाता है, साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट यानी हीमोग्लोबिन एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कराया जाता है और यूरिन रूटीन का टेस्ट भी कराया जाता है। लास्ट में आता है जिसमें हम बोलते हैं 9th मंथ। इस 9th मंथ में हमारे सोनोग्राफी के साथ ब्लड टेस्ट भी फिर से रिपीट होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के समय हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, शुगर कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, सब पता होना चाहिए। तो लास्ट के समय में CBC, सीरम क्रिएटिनिन, SGPG, RBS एंड यूरिन रूटीन रिपीट कराया जाता है। दीज आर द टेस्ट विच इज रिकमेंडेड बाय फॉक्सी एंड दीज आर वेरी सिंपल जनरल टेस्ट। इतने टेस्ट हर प्रेगनेंसी में कराए जाने चाहिए। धन्यवाद।